तो हेलो लवली पीपल, कैसे हो आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का हमारे 365 वीडियोस के एक और नए एपिसोड में। तो यह वीडियो 303 आउट ऑफ 365। और अभी हम लोग ब्लॉग शाम से शुरू कर रहे हैं, आज ही के दिन से, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो। लोग भाई एग्ज़ाम देकर आए हैं, पूरे दिन टाइम नहीं मिला ब्लॉग करने का, तो अभी हम लोग शाम को 6 बजे ब्लॉग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब तीन एग्ज़ाम हमारे प्रॉपर पूरे हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं तीन एग्ज़ाम। भाई कसम से यार, मैं बताऊँ, परसों की जो रात थी उस पूरी रात पढ़े, ठीक है। फिर शाम को एग्ज़ाम देने गए थे, फिर और फिर वहाँ से आए, तो फिर सुबह अगले दिन की सुबह एग्ज़ाम था, फिर उसी दिन की मतलब आज की मतलब उसकी शाम को एग्ज़ाम था। तो भाई सारे एग्ज़ाम सॉर्ट करके आए हैं, सारे एग्ज़ाम सॉर्टेड। अब हमारा एक एग्ज़ाम और बचा है, वो है हमारा 12 को, तो 12 को एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है गाइस। और अभी हम लोग आपको दिखाते हैं, अभी हम लोग आए हैं जेम्स थॉमसन बिल्डिंग पे। भाई देखो, बहुत दिनों बाद हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं जेम्स थॉमसन बिल्डिंग। तो देखो, अभी बारिश हुई थी हमारे रोड की, बहुत प्यारी बारिश हुई सच में। भाई मौसम देखो एक बार, गाइस 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 चेक दिस आउट, भाई कितनी ज़्यादा तगड़ी बारिश हो रही। भाई अभी देख लो हमारी कड़ी राम प्यारी यहाँ पर। भाई साहब मन कर रहा है नहा लूँ मैं, लेकिन यार अभी एग्ज़ाम है तो पढ़ना है यार। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है भाई, और भाई क्या लग रही यार, टू गुड भाई, टू गुड। देख रहे हो पीछे बादल, भाई कितना सही लग रहा है। बाकी कुछ इस तरह का मौसम है, वाह भाई वाह, क्लाउड्स। लवली पीपल मैं बताऊं भाई, आज जेनुअनली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ गया जेनुअनली यार। और हमारे आईटी रोड की भाई देखो क्या मस्त लग रहा है भाई सीन, लाइक भाई सामने से देखने में ना बहुत तगड़ा लग रहा है। अभी यहाँ से फ़ोन में उतना जस्टिस नहीं हो पा रहा, पर फिर भी यार इट्स टू गुड भाई, टू गुड। क्लाउड्स देखो यार, वाओ, टू गुड भाई, टू गुड। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड भाई, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, घिसते रहो। और देख लो भाई, जब तुम इस बिल्डिंग के सामने आओगे तो कितना ही ज़्यादा अच्छा एक ऑरा रहेगा, तुम पूरे इंडिपेंडेंट रहोगे, तुम्हें जो करना है वो करोगे, जब तुम्हारा मन करेगा तुम खुद के लिए मेहनत करोगे। मतलब तुम सुबह खुद से उठोगे, सुबह खुद से खाना खाने जाओगे, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना जब एन यू आर इन कॉलेज, लाइक तुम एक ज़िंदगी जीना सीखते हो, ठीक है। और जेन्युइनली कहना पड़ेगा, ये जो टाइम अभी मेरे कॉलेज टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा याद आने वाला है आगे, बहुत ही ज़्यादा याद आने वाला है, ठीक है। पर कोई बात नहीं भाई, अभी हमारे पास कम है काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग इसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। बाकी अब हम लोग अब सीधे चलते हैं सिनेमैटिक शॉट्स के अंदर। पीपल काफ़ी देर हो चुकी है हमें जेम्स थॉमसन बिल्डिंग से, चलो भाई हम लोग सीधे चलते हैं भाई कहीं और, लेट्स गो रूम पे चलते हैं भाई सीधे, लेट्स गो। सो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, मैं अभी धीरज मारे रूम पे आया था अपना काम हम ख़त्म करके। तो यार अपन लोग ऐसे कुछ काम खत्म होता है अपन लोग ऐसे रेस्ट करते हैं, कुछ आराम करते हैं, पर अपने धीरज मारे वो उस टाइम पर भी काम करते रहता है। लाइक इसे अपना काम इतना पसंद है कि ये रेस्ट में भी अपना काम ही करता है। मतलब ऑब्वियसली तुम रेस्ट में वो करते हो ना जो तुम्हें अच्छा लगे, या तुम सोते हो, सोना तो इसे पसंद है नहीं, तो ये क्या करता है, जो इसके पसंद का काम है वीडियो बनाना, एडिट करना, या फिर ऐसे कुछ नॉर्मल और काम करना, किसी से ऐसे बात करना है, उसको मेंटरशिप प्रोवाइड करना। तो अभी मैं ऐसे काम करके आया अपने रूम पे बैठा, तो ये धीरज मौर्या चेयर बैठ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो? जनवरी 1st जनवरी फुल टाइम काम करते रहता है लौंडा पूरे टाइम। लव यू भाई। अब तो धीरज मौर्य इस जगह पे पहुंच गया है कि अभी से हिंदी मिलना स्टार्ट हो गया है। हमारे बिना एड के कोई आगे नहीं बढ़ता भाई, हमारे अपने कॉलेज के सीनियर वो इसे कहते हैं कि भाई तू वो भी सब उसे जानते हैं। भाई मैंने इसे देखा है, मैं इसे रूम पे आता हूँ इसके रूम पे, भाई मैंने इस बंदे को देखा है, ये अपना खाना छोड़ा है, अपना सोना छोड़ा है, नींद छोड़ा, आधी नींद में है, पर क्योंकि इसे वीडियो डालना है, इसने चैलेंज ले रखा है 365 डेज 365 वीडियोज़ का, इसने खाना नींद सब छोड़ दिया है। भाई शायद मुझसे या बहुत कम से हो पाता है, ऐसे बहुत कम ही होते जिनसे ये हो पाता, पर धीरज भाई, धीरज ये करके दिखाया भाई, कर रहे हो। आज दोपहर का खाना नहीं खाया, कल रात का खाना नहीं खाया, क्यों? क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है। भाई तुम ही सोचो ना, अगर तुम 350 दिन डेली वीडियो डालोगे, तुम्हारे पास कंटेंट की कमी तो होगी, कुछ तो घट ही जाएगा, कितना दिखाओगे, क्या क्या दिखाओगे, पर तुम्हें कंटेंट में वैरायटी भी चाहिए। देखो धीरज मौर्य के कंटेंट में वैरायटी भी है,
पूरा टाइम ये सोचता रहता है, मेहनत करता रहता है, भागता रहता है, कुछ रिकॉर्ड करता रहता है भाई। पूरा आईआईटी दिखा दिया बंदे ने। जब मैं से प्रेप कर रहा था आईआईटी का, मुझे देखना था आईआईटी, पर एक बंदा नहीं था जो ऐसे वीडियो डालता हो आईआईटी का। आज धीरज ने पूरा आईआईटी दिखा रखा है भाई, बहुत सेक्सी काम करता है भाई, बहुत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुमने जो बोला भाई। मतलब यार देखो, हम यही कहेंगे यार, देखो मेरे हाथ में ना सिर्फ मेहनत है, ठीक है, बाकी देना भगवान के हाथ में। मैं मुझे बस इतना पता मेहनत में कर सकता हूँ। एक पता एक दिक्कत होती है, ईगो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर 365 डेज का चैलेंज लिया है ना यार, तो अगर वो बात होती है ना कि बोली है तो वो करनी है, एक कमिटमेंट वाली कमिटमेंट वाली जो भाई ने कमिटमेंट किया कि वो करेगा, करेंगे। देखो तुम खुद के लिए टारगेट सेट करते हो ना, तो सबके साथ दिक्कत क्या होता है, वो उसका अपना टारगेट छोड़ देता है ना, आलस में छोड़ते ना तुम टारगेट। टारगेट नहीं छोड़ना है धीरज भाई को, देखो उन्होंने अपना टारगेट नहीं छोड़ा है भाई, तब आज वो ऐसे लेवल पे पहुंच गए। अभी भी यार अभी भी शुरुआत है भाई, अभी कुछ नहीं हुआ भाई, ये बस शुरुआत है, ये सिर्फ जस्ट अब। मैंने कल आज ही शुरू डाली थी, जस्ट अब इग नहीं, इसलिए डाली थी। अभी हेटर्स की चल जाती है इसी में, तुम अगर तुम्हें हेट कमेंट मिलता है तुम इसे स्पोर्टिंगली लोगे तो भी हेटर्स की और जलेगी कि बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे फेक कर रहा है, खुद का तो कुछ और ही होगा रिएक्शन। फेक नहीं है भाई, और सब धीरज तो ऐसे ही है हमें मालूम है, पर दुनिया का क्या ही है, हर के अलग बुक होता है, कोई नहीं। पर ये भी सही है धीरज, ऐसे ज़्यादा फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, अपना काम करते हैं। समय ही नहीं है भाई, कहाँ से टाइम देंगे, समय ही नहीं है अभी। वैसे एम टी है भाई हम लोगों के, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एम टी नहीं, ऐसा नहीं है। देख उधर, इसमें कैमरा स्विच नहीं होता है यार, मैं ऐसे दिखाता हूँ उधर चल रहा है इसका पढ़ाई भी पढ़ाई करके बैठा है तभी इधर बैठा है। एम डी आई पढ़ाई करके चल रही थी भाई, मतलब क्या ही मतलब स्ट्रक्चर, मल्टीटास्किंग भाई, मल्टीटास्किंग नहीं होती भाई, इंस्पिरेशन है धीरज भाई। अरे लव यू भाई, लव यू भाई, बस तुम लोग ही साथ थे भाई जिसकी वजह से हो पाया भाई सब, ठीक है। अपना तो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब दोस्तों ने भी बहुत साथ दिया भाई जेन्युइनली, मतलब अकेले कुछ नहीं होता यार, देखो सीधी बात है, दोस्त लोग रहते हैं तभी साथ में काम करने मज़ा आता है। सेकंड ईयर में भले ही पूरा टाइम अकेले रहे, पर थर्ड ईयर में भाई बहुत भाइयों ने साथ दिया है, भाइयों ने सब अच्छे से गाइड किया है बहुत जगह ऊपर के, दिया तुम यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो। भाई तो शुरुआत से पहले डे वन से ब्लॉग देख रहा है, हर एक ब्लॉग देख रहा है, कहीं पर कुछ गलत करते हैं तो हाल भाई टोकता है कि धीरज भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। आइडियाज़ भी कभी कभी बताते हैं, तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, तो यार भाइयों के बिना कुछ नहीं हो सकता यार। मतलब वही है ना यार, जब तुम देखो यार क्या होता है ना कि यार जब तुम आगे बढ़ोगे ना, तो दो टाइप के लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, एक तुम्हारे सपोर्टर और एक तुम्हारे हेटर। तो जो हेटर रहेगा ना वो भी साथ में चलेगा, और वो अच्छी बात है, हेटर बढ़ते रहेंगे और, पर तुम्हारे सपोर्टर जो रहेंगे ना वो जेन्युइन सपोर्टर रहेंगे, वो रहेंगे भाई। वही चीज़ है ना यार कि एक रबर बैंड को जितना खींचोगे वो ऊपर उतना तेज बाउंस करेगा, सीधी बात है। तो वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा नीचे लोग खींचेंगे उतना ज़्यादा इंसान ऊपर जाता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो बाकी आज हमारे अभिनव भाई के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। तो दिस वॉज द 7th of September 2024 4:31।